वसुदेवसुतं देवं सहस्रचारुर्मर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। आदरणीय हमारे मंचासी सभी पूज्य संतों के चरणों में प्रणाम करते हुए आए हुए सभी भक्तगण इसने मई माताओं, आइए थोड़ा सत्य नाम का उच्चारण कर लें। क्यों कि जब सत्य नाम हमको सुनाया जाता है तब ये सही सुनने का अवसर होता है। धन्यवाद के पात्र हैं जो उसके पहले सत्य नाम जिनके मुँह से निकल जाए, नहीं तो फिर क्या है, वही है कि हम जैसे वही हैं जो नहीं होता है। इसलिए सभी लोग मिलकर के आप सब जानते हैं कि राम राम सत्य। आइए हम सत्य नाम का उच्चारण करें। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। गुरुदेव नमः गुरुदेव नमः गुरुदेव नमः गुरुदेव नमः, गुरुदेव सहारा बन जाओ गुरुदेव सहारा बन जाओ, हमारे आ जाओ भगवान हमारे आ जाओ, घटो भीतर घोर अंधेरा है, घट भीतर घोर अंधेरा है, गुरुदेव उजाला कर जाओ गुरुदेव उजाला कर जाओ, सदगुरुदेव भगवान जी की। अभी हम आपको अनंत भगवान की अनंत कथाएं अनंत लोगों के माध्यम से सुन रहे थे। गोस्वामी लिखते भी हैं कि हरि अनंत हरि कथा अनंत। आइए उस अनंत में हम आप भी डुबकी लगाने का प्रयास करें। अभी बड़ी सुंदर चर्चा हमारे पूर्व वक्ताओं ने रखी, हमने जो चिंतन किया वो आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे। देखिए संसार में सब कुछ हमको जो है वो दिखाई दे रहा है, पर ये रहता नहीं, रहेगा नहीं, रह नहीं रहा। ध्यान देना, पर जो है वो हमको दिखाई नहीं दे रहा, जो नहीं है जो नहीं रहेगा केवल भासता है, भास रहा है, लेकिन जो है जिसका कभी अभाव नहीं है वो हमको दिखाई नहीं दे रहा है। बात सच कि नहीं, जो है बराबर वो हमें दिखाई नहीं दे रहा और जो नहीं है वो दिखाई दे रहा। तो हमारा लक्ष्य क्या है, आप लोग यहाँ क्यों आए, लक्ष्य हमारा क्या है, सत्संग का लक्ष्य क्या है? हमारा ये लक्ष्य है जो नहीं दिखाई दे रहा उसको देखना ही हमारा है। लक्ष्य नहीं आता भाई, ये दिखाई दे रहा है ये तो लक्ष्य हो नहीं सकता। अब जो नहीं दिखाई दे रहा है और है, जो दिखाई दे रहा है वो नहीं है और जो है वो दिखाई नहीं दे रहा, और जो नहीं दिखाई दे रहा उसी को देखने के लिए हम बैठे हैं, उसी को देखने के लिए ये संत मंडली, दिखाने के लिए। सुन समझी जन मुझे तुम और मजही अति अनुराग दही चार फल अछत तन साधु समाज। आप क्यों आए साधु समाज प्राग में, इसीलिए आए हैं जो है पर दिखाई नहीं दे रहा, यही दुख की बात है और यही घोर अंधेरा।
जो है। अच्छा बताओ, जो होगा उसको दिखाई देना चाहिए नहीं दिखाई देना चाहिए? वो नहीं दिखाई दे रहा, तो एक बात नोट कर लो, जो है ऐसा है नहीं, जो था जो है और जो रह रहा है और जो रहेगा उसको कभी भी देखा नहीं जा सकता, और यदि देखा जा सकता होता तो आप लोग देख लेते। यही हमारा भ्रम है, यही हमारा अज्ञान। जैसे हम कहें आप अपने को कैसे देखोगे, आप अपने को देख ही नहीं सकते। देखोगे क्या देखोगे? जो रहेगा नहीं, जो रहता नहीं, और जो है जो तुम हो उसको तुम कभी आज तक न देख पाए हो, न देखोगे, न देख सकते। फिर क्या है प्रश्न उठता, यह है कि क्या हम अपने को नहीं देखते? यही तुम्हारी भूल है कि तुम अपने को नहीं देख रहे, तुम अपने शरीर को देख रहे हो, ध्यान देना, तुम अपने चेहरे को नहीं देख सकते, और यदि देखते भी हो तो नकली होगा, असली को तो तुम देख ही नहीं सकते। हाँ, फिर हल क्या है, कैसे हल नोट कर लो, जिसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं उसको तीन काल में किसी ने देखा नहीं है और न देख सकता, फिर ये सब बेकार है क्या? सब सत्य है। सार क्या है, ध्यान देना, उसको देखा नहीं जा सकता, उसको अनुभव किया जा सकता। बहुत अच्छी बात, बहुत सुंदर बात। तुम अपने को देख नहीं सकते, अपने को अनुभव कर सकते हो। बोलो बात सत्य है कि नहीं? सत्य है तो आप जरा ताली बजा दिया करो, तो हमारा भी जो है। अब प्रश्न उठता यह है, तीन काल में भी नोट कर लेना, कभी भी ये ना सोचना कहना किसे कि मुझे परमात्मा दिखा दो या मुझे अपना स्वरूप दिखा दो, और यदि तुम ऐसा कहोगे तो तुम बिल्कुल वो हो जो हम कह नहीं सकते। फिर क्या है, जरा थोड़ा शास्त्र का सहारा लो, कभी भी मानस को देखा, कभी गोस्वामी लिखा कि उसको देखा हो, देखा जा सकता, कभी लिखा, कोई उठा लो क्यों भाई, कोई सब उठा लो, गोस्वामी लिखा, क्या लिखा उसके लिए, जाना जानना शब्द लिखा हुआ है, देखना शब्द, और हम देखने चक्कर लगे हैं, पूरे शास्त्रों सब अलग कर दिया, कभी शास्त्र उठा के देखते नहीं, रामायण सामने रखते नहीं, रामायण पर श्रद्धा रखते नहीं, रामायण को यहां रखते नहीं, कैसे तुम जान पाओगे? कितने गलत हो, कितने भूल में हो, क्या सत्संग तुम्हारा? उसको देखा ही नहीं जा सकता, उसको जाना जा सकता है, एक बार उसको अनुभव किया जा सकता है। जैसे तुम अपने को देख नहीं सकते, तुम अपने को जान सकते हो, तुम अपने को अनुभव कर सकते हो, प्रमाण देख लो, सोई जाने जही देव जनाई, अजानत तुम ही हो जाई। दूसरा प्रमाण देख लो, आत्म अनुभव, बताओ आत्मा को देख सकते हो? गोस्वामी क्या कहते हैं और हम क्या कहते हैं? हमें उसको देखना, जबकि वो देखा ही नहीं जा सकता। अच्छा बताओ, जो एक होगा उसको कैसे देखोगे? फिर क्या है, उसको देखा नहीं जा सकता। नोट कर लो आज यहां सत्संग से, कभी भी ये बात ना कहना कि उसको दिखा दो, ये कहना कि उसको जाना कैसे जा सकता। उस आत्म अनुभव सुख स्वप्रकाशा, ब्रह्म की चर्चा कर रहे हो, ब्रह्म को देखना चाहते हो, गोस्वामी क्या कहते हैं? एक भी तुम्हारे अंदर मानस की चौपाई उतर जाए तो ये बदल जाएगा। ब्रह्म सुखई अनुभव ही अनुपा, अकथ अनामय नाम न रूपा। ब्रह्म को देखना चाहते हो, राम को देखना चाहते हो, स्वयं को देखना चाहते हो, गलत।
ब्रह्म यद्यपि ब्रह्म है, धन्यदा यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता लेकिन अनुभव गम्य भजई जई संत लोग कैसे उसका अनुभव करते हैं, उसका भजन करते हैं। बार ही गृत हो सिकता थे तेल और बिनु हरि भजन न हो करिए, ये सिद्धांत आई बनो। समस्या कैसे हल, हम पहली बात तो ये समस्या हल हो सकती है यदि तुम अपने मन से ये निकाल दो कि हम उसको देखना, और यदि ये तुम्हारे मन में रहेगा तो तीन काल में भी तुम जहां हो वहीं रहोगे। फिर क्या है, ये कहो कि हम उसको जाने कैसे, उसको अनुभव कैसे। आइए बनू, आइए देखिए, आपने देखा होगा जब हमें सर्प की भ्रांति होती है, ध्यान देना जरा, तो सर्प की जो भ्रांति होती है वो सर्प हमको दिखाई देता है, लेकिन जिससे सर्प बन रहा है, सर्प तो दिखाई दे रहा है लेकिन जिससे सर्प बन रहा है वो दिखाई, इसी तरह से जिससे संसार बन रहा है, ध्यान देना, जा सुसत्यता ते जड़ माया भास सत्य की वो मोह रजत सीप मा भास दिव जथा बानु करिवार यजब मृखा त्यों कालमा भ्रम न सके एही विधि जगे हरि आश्रित रहई यद्यपि असत्य देख दुख। फिर क्या है, यदि हमें किसी प्रकार से उस जिससे सर्प बन रहा है, उस लकड़ी का, उस रस्सी का जिससे संसार बन रहा है, उसका हमें किसी प्रकार से ज्ञान हो जाए, उसको हम जान जाएं। अच्छा अब कैसे जानोगे, आप जा रहे रास्ते में है वो लकड़ी दिखाई दे रहा साफ, अब आपको सत्य देखना है, कैसे देखोगे उसको, यदि भागोगे वहां से तो खा जाएगा, भागना नहीं है खड़े होकर के गौर करना कि है भी कि नहीं है, और यदि आप भागे नहीं खड़े होकर के आंख गड़ा करके थोड़ा सा इंतजार करके देखते रहो, नजदीक चलते रहो तो तुम्हें अंत में क्या मिलेगा। ऐसे ये है, यदि ब्रह्म का अनुभव करना चाहते हो तो संसार से भागो नहीं, अपने का अनुभव कर सकते हो तो संसार से भागो नहीं, बल्कि डूब जाओ, अंतरंग चले जाओ और देखो कि इसका आधार क्या है, जागृत का आधार क्या है, स्वप्न का आधार क्या है, सुसुप्त का आधार क्या है, तो पाओगे कि वो तो मैं ही हूं। और जिस दिन न जागृत होगा, जिस दिन न स्वप्न होगा न सुसुप्त होगा, फिर कौन बचेगा, तुम ही बचोगे कि और कोई बचेगा। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं, अब हम आपसे पूछते हैं कि जब आप सोते हो तो ये दिखाई देने वाला ये दिखाई देता रहता है कि चला जाता है, जब रोज आना जाता है तो थोड़ा सा साधना में भी इसको जरा फेंको, कितना संभव है, यदि परमात्मा ने हमको जागृत स्वप्न सुसुप्त ना दिया होता, यही कारण है मनुष्य देह का भाग्यशाली होने का, ये तुम्हें भाग्य मिला है कि तुम जागृत और स्वप्न और सुसुप्त से गुजर रहे हो, और जिस दिन इसका बात कर दोगे वो तुम उस ब्रह्म का उस स्वयं का अनुभव कर लो, देख फिर भी ना पाओगे लेकिन तुम ब्रह्म ही ब्रह्म हो जाओगे। बंधुओं
तो हमें आपको भागना नहीं है, थोड़ा सा साधना करना। जैसे हम रात्रि में, अच्छा बताओ, रात्रि में जब सब काम निपटा लेते हो तब चारपाई में जाते हो कि नहीं जाते? उस समय पर कुछ रहता है शेष? तो ऐसे ही जब प्रभु के चिंतन में बैठो, साधना में बैठो, तो सारे संसार को लात मार दो। फिर क्या हो कि भगवान आपने मुझे 24 घंटे दिए हैं, अब मुझे 10 मिनट आपने चिंतन में दे दो और बैठ करके जो तुम्हें दिखाई दे रहा है इसका बात कर दो। जैसे हम आप जब सोने में जाते हैं तो क्या होता है कि संसार चला जाता है, स्वाभाविक, कुछ करना पड़ता है आपको, गहरी नींद। इसके बाद क्या होगा, आपका प्रवेश स्वप्न में हो जाएगा और स्वप्न से फिर गहरी नींद में हो जाएगा। तो ऐसे ही जब आप ध्यान करोगे, साधना में उतरोगे, तो ये जैसे वो स्वतः स्वप्न में हम प्रवेश कर जाते हैं, ऐसे ही आप अपने ध्यान मुद्रा में, ध्यान में चले जाओगे। सहारा लो, नाम जी है जपो, ध्यान देना, ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनुपा, अकथ अनामय नाम न रूपा, जाना चाहें सुन लो, जाना चाहें गूढ़ गति जेऊ, ये गूढ़ विषय है लेकिन आपके अंदर इच्छा हो तो सुन लो और इच्छा ना हो तो न सुनना। जाना चाहें गूढ़ गति जेऊ, नाम जी है जप जाने। ध्यान देना, गोस्वामी जी ने कभी मानस के अंदर जीव शब्द का प्रयोग नहीं किया और हम आप जीव लिए फिरते। गोस्वामी जी ने जाप करना, आप कैसे जाप करो, कैसे उसमें अंतरंग में जाओगे, कैसे उसमें जाओगे जो तुम्हारे अंदर से देख रहा है, एक ही रास्ता है, नाम जी ही जप जाने। जिस बिंदु पर हम सो जाते हैं उस बिंदु पर योगी लोग जो ध्यान करते हैं, भजन करते हैं, उस भजन के माध्यम से वो उस बिंदु पर चेतना में जाकर के जाग जाते हैं। जी का मतलब है जी से, हृदय से, चेतना से। लेकिन पहले आपको कहते हैं कर क्या है, माला कर तो बहुत जप है, अजिभ्या मुखमा, ऐसा नहीं है, मतलब कहने का है, विषय थोड़ा सा बदल रहा है। हम आप पहले माला से, मुख से भगवान का जाप करते हैं, इसके बाद ये सहारे हैं, फिर इनको सारा छोड़ दो। माला तो कर्म नहीं, नहीं वो नहीं, वो नहीं। कर्मुख तो बहुत जप है। हाँ ये कर्मुख ते बहुत जप है, शब्द प्रयोग यहाँ, लेकिन जरूरी है पहले बच्चे को मूर्ति रखना, रखाना जरूरी है, पहले काशी कबूतर पढ़ाना जरूरी है, पहले बच्चे को यदि यदि चलना सिखाना हो तो डंडा का सहारा जरूरी है, और जब चल जाए तो फिर क्या डंडा लिए घूमेगा क्या? जब तुम्हारा मन लगने लगे, अंतरंग जाने लगो, तो कर्मुख छोड़ दो। फिर क्या करो, कर्मुख ते बहुत तक जप है और श्वासा बिरला को, क्यों कि श्वासा में सहारा नहीं देना पड़ेगा आपको, श्वासा स्वतः चल रही है, केवल ध्यान देना है बस। और इसके बाद भी अभी अंतिम नहीं, वो भी सहारा, श्वास भी एक दिन बंद हो जाएगी, छूट जाएगी या चलती रहेगी और तुम सो जाओगे, ये भी छूट जाएगा, चले भले ही लेकिन तुम्हें पता गहरी पता चलता है क्या श्वास का, लेकिन जब तक चलती है तो कर्मुख ते बहुत तक जपे श्वासा बिरला को, श्वासा तज नैनन जपे सो सिद्ध साधक हो। नैन का मतलब क्या है, नैन का मतलब है जागरण, जागते रहो, नाम लेते रहो, जागते रहो,
ये जब भी संभव है जब हम पहले कर्मुख से श्वासा में जाएंगे और श्वासा से फिर जी में उतर जाएंगे, हृदय में उतर जाएंगे, तो आपको जागना नहीं पड़ेगा, वो स्वतः जगा देगा। ये नाम का प्रभाव है। और जिसने पाया है करे पाई न कही गति, अंतिम पाई न कही गति पतित पावन राम भज सुन सठ मना, गणिका अजामिल ब्याज गीध गजादि तारे खल गला, आभीर जमन किरात खस स्वप्न चाति अति अग रूप जे, कही नाम बारक ते पिहो ही पावन राम नमामते, रघुवंश भूषण चरित यह नर कहि सुनहि जे गावहि, कलिमल मनोमल धोए बिनु त्रम धाम सत पंच चौपाई मनोहर जान जो नर उर धरे। नंदना पढ़े नहीं उर धरे, सतपंच का मतलब एक दो आदि, सतपंच चौपाई मनोहर जान जो नर उर धरे, दारुण अविद्या जनित विकार सी रघुबर हरे, सुंदर सुजान कृपा निधान अनाथ पर कर पीर जो, सो एक राम अकाम हित निर्वाण कुल सब आन को, अजा की कृपा लव लेते। ये गोस्वामी जी का अनुभव है, ध्यान देना। और जब कोई संत अनुभव करता है तो हमें उसका आदर करना चाहिए, उसकी बात को स्वीकार करना चाहिए। जाकी कृपा लव लेते मति मंद तुलसीदास हु अपायो परम विश्राम। परम विश्राम का मतलब परमात्मा में लीन, जैसे महाराज जी कह रहे थे वहां स्थिति हो जाए। कैसे वहां पर पहुंचोगे, कैसे उसका अनुभव करोगे, जैसे गोस्वामी ने अनुभव किया, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूं, मोह सम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर, अस विचार रघुवंश मन हरौ संभव पीर, अकाम ही नारे प्यारे जिम। ऐसा जब ऐसी लगन हो जैसे कामी से नारी की, काम ही नारे प्यार जिम, ये गोस्वामी सब अनुभव है, ध्यान देना। और हम उनकी बात सुनना नहीं चाहते जिनका अनुभव है, उनकी बात सुनना चाहते हैं जिन्होंने गए ही नहीं। इसलिए उन संतों की, उन ग्रंथों की, उन महान पुरुषों की जो लिख करके हमें बीजक के रूप में दिए गए हैं, उनका अध्ययन करो, चिंतन करो। नहीं समझ में आया तो ऐसे महान पुरुषों के पास आओ, उनसे मिलो और अपने जीवन को धन करो। बोलो वृंदावन गाय लाल की, हरिओम।